अखबार में मीनल एम एन एस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ठाकरे का ट्रेलर देख खपा हुए साउथ स्टार सिद्धार्थ बोले, साउथ इंडियंस को कहा गया गलत रिपोर्ट, पीने योग्य नहीं बचा है वहाँ नर्मदा का जल। निगम में सरकारी नौकरी चाहिए, हाँ बोलते ही इंटरव्यू लेकर एड लिए 7 लाख। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। हैदराबाद बीते दिन ही फिल्म ठाकरे का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर में कई तरह के विवादित बयानों को दिखाया गया है और फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में आ चुकी है। इसी बीच साउथ के एक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि ट्रेलर में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है वो भड़काने वाली है। साउथ के एक्टर सिद्धार्थ ने ट्रेलर देखने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि नफरत को हीरो बनाकर बेचने की कोशिश लाखों साउथ के लोगों और कई माइग्रेटेड लोगों का इस ट्रेलर में कहीं कोई जिक्र, जिन्होंने मुंबई शहर को और भी शानदार बनाया। होशंगाबाद में नर्मदा का जल होशंगाबाद में पीने योग्य भी नहीं, यह जानकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन यह सच है। यहाँ का जल प्रदूषण का मानक भी बहुत अधिक बढ़ गया है। नई दिल्ली गाजियाबाद NCR स्थित गाजियाबाद नगर निगम में नौकरी देने के नाम पर 7 लाख का घोटाला सामने आया है। गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा ने इस विषय में FIR दर्ज कराने के लिए नगर आयुक्त को पत्र लिखा है और जांच के भी आदेश दिए हैं। तो देखते रहिए MNS न्यूज लाइव की खास खबर। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।